भारत की संसद पे कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था, और आज 2023 में ठीक उसी दिन हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। कई सवाल जहन में आते हैं, एक बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। पहला कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है, क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो ये शख्स विजिटर गैलरी तक अपना स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी, क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी, ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। सांसदों को बुलाए, जिन सांसदों ने उन दो युवाओं को पकड़ा, झेला, को देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनसे उनको भी नहीं बुलाया जा रहा, जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है, ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये दो लोग आए, और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है, बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हमने खुद, हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि इस पर मैं ये कह दूं कि मैं पॉलिटिकल इस पर माइलेज लेना चाहता हूँ नहीं, ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे, आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूँ, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। आप लोगों ने वोकल्स किया है, किस डिमांड को लेकर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम लोगों ने कहा, इस पे कोई स्टेटमेंट तो आए सरकार की ओर से, एक गृह राज्य मंत्री बैठे हुए थे, उनकी ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप लेजिस्लेटिव बिजनेस ले रहे हैं, लेकिन जब आज के दिन, खास करके बरसी के दिन शहीद दिवस की, उस दिन अगर इस प्रकार की घटना होती है तो वह हमारी, हमें चुनौती दी जा रही है, तो एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। पता नहीं सरकार को क्यों बड़ी बड़ी बात सीना ठोक के यूं बड़ी बड़ी बात करते हैं आप सदन के अंदर, और आपकी कार्यशैली में नहीं दिखता है, ये अफसोस है। पास और पासवर्ड दो ऐसे चीज हैं जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। पासवर्ड शेयर करने पर महुआ जी की सदस्यता गई, अब पास, मैं तो बता रहा हूँ, अगर अतिरेक में कुछ ना हो पासवर्ड पर शेयर करने में, तो मंत्रिमंडल में कोई नहीं बचेगा। मैं सबकी हकीकत जानता हूँ। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, एक्सट्रीम स्टेप मत लो, सिस्टम को चाक चौबंद बनाओ। अब आप विजिटर्स को आने नहीं दोगे, ये थोड़ी होना चाहिए हमारा रिएक्शन। हमारा रिएक्शन होना चाहिए, तो मुझे पता चला है कि वो जूते के अंदर गया था, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को वो कैसे सर्कम्बेट कर गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन चक्कर क्या है ना कि इन सवालों में भी ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं।